तो नमस्कार दोस्तों, राजा बाबू नईसरा यूट्यूब चैनल के संडे स्पेशल वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को होली एवं रंग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। ये पावन त्यौहार आपके जीवन में खुशियों भरे रंग लाए और आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज के वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ आहूजा के ब्रांड न्यू कैसेट प्लेयर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के ढेर सारे कमेंट आते थे कि आहूजा का प्लेयर लाइए, तो आप साइड में देख सकते हैं लगभग 10 पीस हमारे पास सील पैक आहूजा कैसेट प्लेयर आ गए हैं, जो कि बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही शानदार है। तो आज के वीडियो में हम आहूजा यूनिसाउंड का अनबॉक्सिंग एवं रिव्यू देने वाले हैं, इसकी टोटल जानकारी देने वाले हैं, आपको आवाज़ भी सुनाएंगे, कैसे ऑपरेट होता है वो भी आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और जिन भी दर्शकों को ये कैसेट प्लेयर पसंद आए और उनका मूड बने कि यार इसको हमारे घर में होना चाहिए और हम खरीदना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर इसको बड़े ही आसानी से खरीद सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको ले चलते हैं कैसेट प्लेयर के दशक में और सुनाते हैं आहूजा यूनिसाउंड की अनबॉक्सिंग एवं रिव्यू। तो फाइनली दोस्तों, आप देख सकते हैं आहूजा का यूनिसाउंड TC30 प्री एम्पलीफायर कैसेट प्लेयर। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसको बाहर निकालते हैं। तो ये देख लीजिए, कुछ इस प्रकार का बॉक्स है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, मॉडल नंबर दिया हुआ है और ये आहूजा कंपनी का है, जो कि आप देख सकते हैं सारा कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है। और ये दोस्तों सील पैक बॉक्स है, ये कोई आप देख सकते हैं कंपनी की सील लगी हुई है और ये दो बॉक्स नीचे भी रखे हुए हैं। और मेरे पास फाइनली इसके 10 पीस हैं अभी, तो आपको लेना है तो ऑर्डर फाइनली जल्दी करना। तो चलिए इसकी हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं आपके सामने, जिससे आपको दिख जाए। और ये टैप है, इसको हम थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं और ब्रेक करने के बाद हम मेन कंटेंट को देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप फाइनली इस प्रकार का इसका बॉक्स है और ये निकला हुआ है। चलिए इसको बाहर निकालते हैं, ये कवर दिया हुआ है, इसको भी हम निकालते हैं बाहर आपके सामने। फाइनली मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, मैंने इससे पहले इसको खोला नहीं है अभी। तो ये देख सकते हैं, ये इस प्रकार का इसका बॉक्स निकला है, यहाँ पर ये प्रोटेक्शन दिया हुआ है जिससे हमारे नॉब ख़राब नहीं हो। तो चलिए इसको हम करते हैं साइड में और हम मेन कंटेंट की ओर चलते हैं। ये कुछ गाइड निकला हुआ है जिसमें सब कुछ दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, मॉडल नंबर इसमें लिखा हुआ है, एड्रेस भी लिखा हुआ है, तो ये भी निकला है इसके साथ में, ठीक है। इसको भी हम साइड में करते हैं, अब हम देखते हैं मेन कंटेंट। तो ये जो बॉक्स है इसको भी हम थोड़ा सा एक साइड कर लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा आहूजा का यूनिसाउंड का TC30 कैसेट प्लेयर, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए इसका टैप भी ब्रेक कर लेते हैं, ये देख सकते हैं एकदम न्यू ब्रांड है दोस्तों। और इसका जो टैप है इसको भी हम हटा लेते हैं, आपके सामने ही मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, देख सकते हैं अभी टैप भी नहीं निकला इसका। तो चलिए टैप को हम बाहर करते हैं और इसको मेन कंटेंट को निकालते हैं। तो एक बार मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको बाहर करने की। तो फाइनली दोस्तों मैंने टैप को कर दिया है ब्रेक और इस पॉलीथीन से निकाल लिया है बाहर, इस पॉलीथीन को भी बाहर करते हैं। तो फाइनली कुछ इस तरीके का कंटेंट इसमें निकला है। चलिए इंटरफेस की यदि हम बात करें तो यहाँ पर ऑन की LED दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है और ये हमारा मैकेनिज्म है, इसका मॉडल नंबर है TC30 प्री कैसेट प्लेयर। चलिए बैक साइड से दिखाता हूँ आपको। यदि हम बैक साइड की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 वोल्ट DC लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर लाइन आउट है ये दिखा हुआ है और ये लिखा है इसका मॉडल नंबर, आप पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका मॉडल नंबर दिखा हुआ है और ये प्रोडक्ट्स इन आहूजा का है, मतलब आहूजा कंपनी का है यूनिसाउंड करके। चलिए इस टैप को भी हम ब्रेक कर लेते हैं और इसको मैकेनिज्म को बाहर निकालते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों फाइनली मैकेनिज्म को हमने बाहर निकाल लिया। चलिए अब इसको हम सेटअप करते हैं और इसकी आवाज़ सुनाते हैं। एक्चुअली में इसमें लाइन आउट है तो मैं अपने एम्पलीफायर मतलब कैसेट प्लेयर का लाइन आउट लगाऊंगा और यहाँ पर आहूजा की ब्रांडिंग दी हुई है और ये सील लगी हुई है आहूजा की, आप देख सकते हैं ये वाली सील आपको दिख रही होगी आहूजा की। तो चलिए दोस्तों हम इसको करते हैं सेटअप और इसकी लाइन आउट हमारे एम्पलीफायर में देते हैं। तो ये रेड वाला रेड में लगा देता हूँ मैं और वाइट वाला वाइट में लगा देता हूँ, ये लगा दिया मैंने। और मेरे कैसेट प्लेयर को ऑन कर लेता हूँ और इसको कर लेता हूँ लाइट से कनेक्ट।
तो ये देख सकते हैं मैंने इसको लाइट से कनेक्ट भी कर लिया है और फाइनली ये चालू भी हो गया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑन का पावर जल गया है और इसमें रेड कलर की LED दी हुई है। और चलिए हम इसके कोई कैसेट लगाते हैं और आपको गाना भी सुनाते हैं और इसकी आवाज़ से भी आपको रूबरू कराते हैं। तो ये कैसेट लगाने जा रहा हूँ मैं, एक होली की कैसेट है, ब्लैंक कैसेट। तो ये फाइनली मैंने लगा दी कैसेट और आप आवाज़ सुनना, अच्छा लगे तो मुझे बताना कि इसकी आवाज़ कैसी है, ठीक है। अभी मुझे ही पता नहीं इसकी आवाज़ कैसी है, फाइनली आपके सामने ही इसकी अनबॉक्सिंग की है और इसका रिव्यू दे रहा हूँ मैं। तो चलिए थोड़ी सी आवाज़ बढ़ाता हूँ मैं और इस कैसेट को हम करते हैं प्ले। ये रहा दोस्तों प्ले बटन, चलिए प्ले करते हैं। रंग लेके दीवाने आ गए, रंग लेके दीवाने आ गए, रंगों में प्यार भर के दिलदार लाए हैं हमको, दिल दिल से मिलाने आ गए, दिल दिल से मिलाने आ गए। ये दोस्तों यहाँ दोस्तों वॉल्यूम भी दिया हुआ है, आप चाहें तो यहीं से आवाज़ कम कर सकते हैं। चलिए बढ़ाता हूँ। चलिए दोस्तों थोड़ा सा इसको करते हैं फॉरवर्ड, ये देख लीजिए दोस्तों फॉरवर्ड भी कर रहा है ये, और प्ले करते हैं। दोस्तों फाइनली इसकी आवाज़ है ना बहुत ही प्यारी आ रही है और आहूजा की आवाज़ तो आप जानते हैं कितनी प्यारी होती है। चाहे तो आप इसको होम थिएटर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, यदि आपके पास एम्पलीफायर है तो एम्पलीफायर से कनेक्ट कर सकते हैं, और चाहे तो दोस्तों इसको प्री एम्पलीफायर बना के आप कैसेट रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। अब कैसेट रिकॉर्ड कैसे करेंगे दोस्तों, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देख लीजिए दोस्तों मेरे पास एक कैसेट है जो कि खाली है, इसमें मैं कुछ भरता रहता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं लगाता हूँ मेरे इसमें प्लेयर में, जो कि मैंने लगा दी, आप देख सकते हैं ये कैसेट मैंने लगा दी मेरे उस वाले प्लेयर में। उसकी आवाज़ सुन लेते हैं कैसी आवाज़ है। तो चलिए दोस्तों ये वाला गाना हम उस वाली ब्लैंक कैसेट में डालते हैं जो कि आप देख सकते हैं सामने मैंने लगा रखा है मेरे प्लेयर में, और आपको कैसेट रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ कि हम कैसेट रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं दोनों बटन दबा के इसको करता हूँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट, और अब हम इस गाने को प्ले करेंगे, ठीक है। आप देखना आपके सामने मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और फिर आवाज़ भी आपको सुनाऊंगा। चलिए अब ये होली के बहाने आ गए ये वाला हम रिकॉर्ड करेंगे उस कैसेट में थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो अभी आपने देखा मैंने थोड़ी देर होली के बहाने उस कैसेट में डाला है, चलिए देखते हैं रिकॉर्डिंग उसकी कैसी आई है। इसी में लगाएंगे उस कैसेट को, वहाँ से निकाल के लाएंगे, इस कैसेट को निकालेंगे और इस कैसेट को लाएंगे निकाल के हम प्रीसेट में। हमने थोड़ी देर भरा है होली के बहाने। तो चलिए दोस्तों हम इस गाने को प्ले करते हैं जो कि हमने ब्लैंक कैसेट में डाला है, और इसको प्ले करते हैं और इसकी आवाज़ सुनते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों यहीं से हमने रिकॉर्ड किया था और ये यहीं तक रिकॉर्ड हुआ है। तो फाइनली दोस्तों आप इससे बहुत ही अच्छी तरीके से कैसेट रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। आहूजा कंपनी का यूनी साउंड है, आप देख सकते हैं इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। यदि आप लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप पर संपर्क जरूर करना, क्योंकि स्टॉक मेरा बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो यदि आपको परचेस करना है तो जल्दी व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा, और आहूजा की आवाज़ कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, अच्छा लगा है तो लाइक करना। चलिए मिलते हैं आप किसी ऐसे ही अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और पुरानी भूली बिसरी यादें ताज़ा करते रहिए। बहुत बहुत थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमको सर...